स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर, जो गुंबदों का शहर कहलाता है, आदिलशाहों का शहर कहलाता है, यहाँ पर जो है अनेक स्मारक सैर व तफरी के लिए आज वो लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। बहुत से स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक इस बीजापुर नगर में और बीजापुर ज़िले में मौजूद हैं। आज यहाँ पर हम ठहरे हुए हैं बेगम तालाब। बेगम तालाब जो एक हिस्टोरिकल तालाब है, कदीम ज़माने से यहाँ से जो पानी जो है बेगम तालाब से पूरे शहर को उस दौरान सप्लाई होता था, मुहैया किया जाता था। जगह जगह पर गंज बनाए गए थे और इसी बेगम तालाब से लोग पानी हासिल करते थे उस शाही दौर में। बहुत दिनों से इस तालाब की हालत बिल्कुल खस्ता थी, लेकिन आज इसे पुनर्जीवित किया गया है। आज इसे फिर इस तालाब में जान डाली गई है। हाल ही में इस तालाब को जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट किया गया और लोगों की सैर और तफरी के लिए ये जो है बहुत जल्द ये तालाब जो है सैर और तफरी के लिए खोला जाएगा। पूरी तरह से यहाँ पर काम भी चल रहा है और आज जो है यहाँ पर आप बोटिंग भी देख सकते हैं, बोटिंग भी चालू है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से कुछ वक्त जो है सैर और तफरी के लिए अपने बच्चों के साथ निकालना चाहें तो यहाँ पर जो है बेगम तालाब जो पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है सैर व तफरी के लिए। और इस यहाँ पर आप बोटिंग भी देख सकते हैं कि बोटिंग का भी आज यहाँ पर इफ्तिताह हो रहा है और बोटिंग भी यहाँ पर शुरू की जा रही है। और तारीखी शहर बीजापुर में जहाँ तक शहर का सवाल है, बोटिंग को लेकर कई बच्चों की भी एक ख्वाहिश थी कि यहाँ पर बोटिंग नहीं है, सिटी में बोटिंग नहीं है, लेकिन बेगम तालाब में आज बोटिंग शुरू की जा रही है, जिसका भरपूर मनोरंजन उठा रहे हैं बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग जो है युवा इस बोट पर बैठकर बीजापुर में जो सपना था युवाओं का, बच्चों का, आज वो सपना पूरा हो रहा है। हम बोट पर बैठे हुए हैं, फ्लाइंग एडवेंचर जो स्टैंडर्ड लिया हुआ है और कल से बाकायदा इस पर चार्ज होगा 100 रुपये, 150 रुपये हाफ एन आवर और इसके अलावा 1 घंटे का अलग, डबल स्पेयर का अलग, यानी अलग अलग चार्ज होते हैं। लेकिन आज पूरी तरह से मज़ा ले रहे हैं यहाँ के युवक। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैठे हुए हैं, पूरी तरह से मज़ा ले रहे हैं और यही इनका एक बहुत बड़ा सपना था कि बीजापुर में भी बोटिंग हो। यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बोटिंग में बहुत अच्छा लग रहा है घूमने के लिए पूरा। आप बताइए। हमारे को बीजापुर में ऐसा कहीं नहीं था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीजापुर में ऐसे खेलने की चीज़ें नहीं थी तो अब ये बनने की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। एकदम बहुत बेस्ट लग रहा है ये। तो आप क्या कहेंगे, आप भी और आप दूसरे भी आकर यहाँ पर मजा लें? हाँ, बहुत मजा लें आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। ಬಿಜಾಪುರ ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಂದಾಗೆ ಮಾಡಲಿ. तो आपने देखा कि युवा कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो बीजापुर में हर चीज मनोरंजन के लिए थी लेकिन बोटिंग नहीं थी। बीजापुर शहर का जब हम सिटी का मुआयना करेंगे, सिटी की तरफ देखेंगे, यहाँ पर बोटिंग नहीं थी। लोग यही चाहते थे कि कब बीजापुर में बोटिंग हो और कब इस बोटिंग का हम इस तरह जब आज मज़ा ले रहे हैं इस तरह मज़ा लें। आज वो दिन आ ही गया, आज पूरी तरह से फ्री है और कल इसका चार्ज होगा।
करने हैं। क्या नाम आपका? सुचित्रा। सुचित्रा बोटिंग मार रही ना इला मार रही है यहाँ नस्तो सुपर सुपर ने पे अच्छा लगे कर बोलते कैसा लगे? अच्छा लगे। अच्छा लगे। क्या नाम तुम्हारा? ओवेस। ಭಾಳ ದಿವಸಿಂಗ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಬೋಟಿಂಗ್ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು. ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆನೂ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬರೋರಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. तो यहाँ पर जो है आज इसका उद्घाटन हुआ और आज ये पूरी तरह से लोगों के लिए फ्री रखा गया है. और यहाँ पर जो है फ्लैग कैचर एडवेंचर जिन्होंने इस टेंडर को लिया है और इन्हीं के नेतृत्व में ये चलेगा. तो आइए इन्हीं से बात करते हैं. बताइए सर. जी बोलिए सर. क्या कुल कितने बोट आप यहाँ पर? यहाँ पे चार बोट से राफ्ट बोट है, राफ्ट कहते हैं उसको, वो चार रखा हुआ है. और सिंगल और डबल बोट से वो 12 बोट्स है. और दो इंजन मोटर से स्पीड बोट है. इतना अभी फिलहाल में स्टार्ट है. तो एक आदमी का कितना चार्ज करते हैं जो स्पीड बोट में? उसमें एक राउंड के लिए 50 रुपीज़ है. और जो ये बोट सिंगल बोट जो है उसका हाफ एन आवर के लिए 100 रुपीज़ है. डबल जाएंगे तो 150 है. और राफ्ट बोटिंग कहते हैं उसको 50 रुपीज़ है फॉर हाफ एन आवर के लिए. तो आज पूरी तरह से फ्री है? आज पूरा फ्री है. कल से चार्ज होगा? चार्ज होगा कल से 9 बजे से इवनिंग 6 तक रहेगा. तो फ्लाई कैचर्स एडवेंचर्स आपका? एडवेंचर्स आपके इसमें चलेगा? जी सर. जी आपका नाम? चांद. तो बेगम तालाब में आज कई लोग आए हुए हैं और मनोरंजन कर रहे हैं. और इसी बीच यहाँ पर बीजापुर शहर के पहले मेयर जनाब सज्जाद पीरा मुशरिफ यहीं हमसे जुड़े हुए हैं. आइए इन्हीं से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. आज जो जिला अदालत की तरफ से जो है बोटों का इंतज़ाम बेगम केरी के अंदर जो बोटों का इंतज़ाम करा है ये बहुत बीजापुर वासियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है. यहाँ से 60-70 किलोमीटर पे आल मट्टी में एक बोटिंग का था. अब बीजापुर के अंदर बेगम तालाब के अंदर जो है हमारे DC साहब जो बोट चालू करें उनका मैं उनको धन्यवाद देता हूँ. मेरे तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ. ये अब्दुल्ला कुट्टी बोल को उसका टेंडर लिए बोल को बोल रहे हैं. इसके अंदर जो है रेट जब ज़्यादा रखें बीजापुर के हिसाब से यहाँ आना हो तो 50-100 रुपए रिक्शा वाला लेते हैं. ये रेट का मैं DC साहब को मनवी करता हूँ कि इनको बोल को रेट कम कराना, कम से कम करना. तो बेगम तालाब को के पूरे इहाते को अभी पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और नए नए पौधे नए नए फूल गार्डन सजाया जा रहा है. और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस इहाते को सजाया जा रहा है ताकि लोग पूरी तरह से आकर यहाँ पर सैर व तफरी करें. और सैर व तफरी के लिए पूरी तरह से अभी ये गार्डन मुकम्मल नहीं है, काम शुरू है. मुकम्मल होने के लिए तैयारियाँ शुरू हैं. अभी चंद दिन बाद ये गार्डन पूरी तरह से लोगों की सैर व तफरी के लिए खोला जाएगा. आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि काम चला हुआ है. मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर भी ज़रा जूम करें. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गार्डन को तैयार किया जा रहा है. नए नए पौधे नए नए दरख्त और नए नए किस्म के फूल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं. और यहाँ पर भी सामने एंट्रेंस पर मैं कहूँगा कि इस तरफ जा रहे हैं क्या. हाँ, यहाँ पर जो है पूरी तरह से एंट्रेंस ये जो एंट्रेंस रोड है ये भी अभी इसका काम शुरू है और पूरी तरह से अभी मुकम्मल नहीं हुई है. और यहाँ पर बिजली के कुमकुमों का भी पूरी तरह से एहतमाम किया गया है. लाइटें लगाई गई हैं और कैंटीन वगैरह का भी यहाँ पर स्टॉल का भी काम चला हुआ है. आप इस तरफ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये काम चला है. स्टॉल कैंटीन और शॉप पूरी तरह से यहाँ पर ये काम चल रहा है. अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है. अब ये पूरी तरह से मुकम्मल होने के लिए बस चंद दिन और लगेंगे. यहाँ के लोग आकर पूरी तरह से यहाँ पर सैर व तफरी का मज़ा ले पाएंगे.
न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं।